हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज ये दूसरा लेक्चर है हमारी इस सीरीज़ का। और पहले लेक्चर में हमने जाना था कि घरों के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो आज इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए हम जानेंगे कि अब हमने घर तो जान लिए, अब इसमें कोई ना कोई रहेगा। अब कौन रहेगा? वो रहेंगे ग्रह। अब हर ग्रह की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या क्या उनकी विशेषताएं होती हैं, किस किस चीज़ क्या क्या कारकत्व होते हैं, क्या क्या डिपार्टमेंट होते हैं, क्योंकि हर ग्रहों को हर एक ग्रह को कोई ना कोई डिपार्टमेंट ज़रूर मिला होता है, जिसका जिसका वो आप कह सकते हैं लीडर होता है, उसके अकॉर्डिंग वो हमें रिजल्ट देता है। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या क्या विशेषताएं होती हैं प्लैनेट्स के। तो पहले से शुरुआत करते हैं, पहले हम अपने जो हमारी ब्रह्मांड का आत्मा कारक ग्रह माना जाता है, जो हमारे ब्रह्मांड की आत्मा कहते हैं सूर्य, सन प्लेनेट की हम बात करते हैं जिनको आत्मा कहते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सूर्य से ही ये धरती चल रही है, सूर्य के प्रकाश के कारण ही हम जिंदा हैं, तो इसलिए इनको आत्मा कारक ग्रह कहा जाता है। उसके बाद जो सूर्य का जो अगर हम कलर की बात करें, हनी कलर इनका होता है, जिस तरीके से शहद का कलर होता है उस तरीके का इनका कलर होता है। इनका अगर आप कहें इनकी विशेषताओं की बात करें, तो आप कहेंगे कि ये अगर इनके कारकत्व की बात कर लेते हैं पहले, ये नेम, फेम, अथॉरिटी, गवर्नमेंट, आपके कॉन्फिडेंस, मैं मेन मेन चीज़ें लिख दे रहा हूँ, वैसे तो बहुत सारी चीज़ों को ये दिखाते हैं लेकिन मैं मेन मेन चीज़ें लिख दे रहा हूँ। उसके बाद ये आपकी जॉब, इन सब चीज़ों को दर्शाते हैं। एनर्जी आपकी बॉडी में कितनी है, उसके बाद आपके गुस्से को ये दर्शाते हैं। उसके बाद देखिए, जेलेसी भी कहीं ना कहीं इनके कारकत्व के अंदर आती है, कि नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव चीज़ों के रिगार्डिंग रिजल्ट देंगे, पॉजिटिव हुए तो पॉजिटिव चीज़ों को बढ़ाएंगे और नेगेटिव चीज़ें कम करेंगे। उसके बाद ये आपके बॉडी में हार्ट, आपके दिल, इसको भी दर्शाते हैं। बोन के कारक, आपकी हड्डियों के कारक भी सूर्य देवता होते हैं। अगर आपकी हड्डियाँ, अगर आपके सूर्य देवता खराब हुए, तो कहीं ना कहीं आपको हड्डियों और दिल से रिलेटेड परेशानियाँ हो सकती हैं। सूर्य देवता, चंद्रमा देवता के साथ साथ सूर्य देव भी आँखों के कारक होते हैं। उसके बाद सूर्य देवता, क्योंकि एक रॉयल प्लैनेट माना जाता है इनको, तो कहीं ना कहीं या रॉयलिटी के भी कारक होते हैं, आपकी जो लग्जरीज होती है कहीं ना कहीं उनके कारक होते हैं। देखिए, अब अगर कुंडली में सूर्य देवता अच्छे होंगे तो ये आपको अथॉरिटी देंगे, गवर्नमेंट से सपोर्ट देंगे, आपके आपके पिता के साथ बहुत अच्छी बनेगी, उनके सपोर्ट से आप बहुत आगे बढ़ेंगे, आपके अंदर जबरदस्त कॉन्फिडेंस होगा, लीडरशिप आपके अंदर बहुत ज़बरदस्त होगी अगर आपका सूर्य अच्छा है। लेकिन अगर आपका सूर्य और आपको ये कभी भी अगर सूर्य अच्छा है तो आपको हार्ट से रिलेटेड परेशानी नहीं होगी, बोन्स आपकी मजबूत होंगी, आपकी आंखों में परेशानी नहीं होगी, आप एक रॉयल जिंदगी जिएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर सूर्य खराब हुआ तो आपको लोगों से जेलसी होनी शुरू हो जाएगी, आप एरोगेंट बन जाएंगे, थोड़ा मीन हो सकते हैं आप, गुस्सा आपको थोड़ा जल्दी आएगा, थोड़ा सा घमंड आपके अंदर जरूर आ जाएगा अगर ये नेगेटिव हुए। अगर ये पॉजिटिव होते हैं तो ये आपकी एनर्जी लेवल को बढ़ा देंगे, यहाँ पे जो कॉन्फिडेंस है आपके एनर्जी लेवल, काम करने की क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, हार्ट से रिलेटेड आपको परेशानियाँ नहीं होंगी। तो ये हमने बात करी सूर्य की। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे जो दूसरा ग्रह इसी क्रम में है कुंडली में, अगर हम बात करें चंद्रमा देवता की, इन सभी प्लैनेट्स को हम एक के बाद एक ज़रूर आगे चल के हर घर में डिस्कस करेंगे। तो चंद्रमा देवता की बात करें तो चंद्रमा के लिए आपने एक कॉमन चीज़ सुनी होगी, चंद्रमा मनसो जाता, चंद्रमा मन का कारक है। तो आप कह सकते हैं जैसे कि सूर्य आत्मा है, ये हमारे माइंड को रूल करता है, सबसे बड़ी चीज़ है ये हमारी स्पीच, हम क्या क्या बोल रहे हैं, क्योंकि सूर्य चंद्रमा सॉरी सूर्य जैसे कि हमने बोला किंग है, तो हाँ ये इसको क्वीन का दर्जा मिला हुआ है। जो चंद्रमा देवता है वे उनको रानी का दर्जा मिला है। सूर्य हम कहते हैं एक फायरी प्लेनेट है, ये एक कोल्ड प्लेनेट है, चंद्रमा देवता एक कोल्ड प्लेनेट है, ये ग्रीष्म ऋतु मतलब गर्मियों के मौसम को डिनोट करता है, रूल करता है, और उसी प्रकार ये वर्षा ऋतु जो होती है उसको रूल करता है चंद्रमा।
अगर हम बात करें चंद्रमा के कॉम्प्लेक्शन की, जैसे उनका हनी कॉम्प्लेक्शन था शहद के की तरह कॉम्प्लेक्शन, इनका वाइट कॉम्प्लेक्शन होता है। मतलब अगर ये जाता कि कुंडली में जैसे सूर्य प्रोमिनेंट हुए तो आपको थोड़ा सा हनी कलर्ड बनाएंगे, अदरवाइज अगर चंद्रमा प्रोमिनेंट हुए तो ये आपको वाइट कॉम्प्लेक्शन देंगे। उसके बाद ये आपकी स्पीच को दिखाते हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया, ये कहीं ना कहीं चंद्रमा देवता, मैंने जैसे बताया आपको, ये मन के कारक हैं तो ये डिप्रेशन को भी दिखाते हैं, ये फ्लूड को भी दिखाते हैं, जितने भी तरल पदार्थ हैं उनके कारक भी चंद्रमा देवता माने जाते हैं। उसके बाद ये आपकी पब्लिक लाइफ कैसी होगी उसको भी कहीं ना कहीं जरूर दर्शाते हैं। फैमिली लाइफ चंद्रमा देवता दर्शाते हैं। उसके बाद आपकी, आप कह सकते हैं ओल्ड एज कैसी होगी वो चंद्रमा देवता से हम जज कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम देखते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें चंद्रमा देवता की हेल्थ की, तो चंद्रमा देवता भी, जिस तरह मैं सूर्य देवता बताया, चंद्रमा देवता भी आंखों के कारक होते हैं। ये जो डिजीज को रूल करते हैं, अगर देखिए अगर चंद्रमा देवता खराब हुए ना तो एक चीज होगी, आपको एक्सेसिव ड्रिंकिंग की आदत पड़ जाएगी, या किसी भी ऐसे नशे की आदत आपको पड़ सकती है अगर चंद्रमा देवता खराब हुए। तो ये सब चीजें कारगर, अगर आपका चंद्रमा देवता अच्छा हुआ तो आपका माइंड स्ट्रांग होगा, आपकी स्पीच अच्छी होगी, आपका बोलना अच्छा होगा, कलर आपका जैसे मैंने कहा वाइट टेम्परमेंट होगा, तो आप मतलब हर चीज में परफेक्ट होंगे, आप एक बहुत अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी के रूप में उभरेंगे जरूर सामने अगर आपका चंद्रमा अच्छा हुआ। अगर चंद्रमा कहीं ना कहीं आपका अगर खराब हो जाते हैं चंद्रमा देवता, तो ये आपको सबसे पहले तो डिप्रेशन की प्रॉब्लम, जो मैंने एक चीज बहुत कॉमन चीज कंसल्टेशंस के दौरान देखी है वो ये है कि जिनका चंद्रमा खराब है ना, या किसी केमद्रुम दोष या किसी दोष के अंदर में आ गया, तो उनका ये रहता है कि वो हर चीज पाके भी खुश नहीं रहते हैं। चंद्रमा मतलब, क्योंकि मन अगर खुश है तो आप किसी भी कंडीशन में खुश रह सकते हैं, लेकिन चंद्रमा मन को अगर खुश ना रखे तो फिर तो ये मतलब आप दुनिया की सारी खुशियां पा लेना तो फिर भी वो लोग मतलब उनको परेशान वो रहते ही रहते हैं। कफ होता है, कोल्ड उनको बहुत ज़्यादा होता है, छोटी छोटी मतलब उनका एक आप कह सकते हैं कि बॉडी का इम्यून जो सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। अब तीसरा ग्रह जो आता है वो आते हैं मंगल देवता। सूर्य देवता की तरह मंगल देवता भी फायरी प्लैनेट हैं, जिन्हें हम रेड प्लैनेट भी कहते हैं। इनको मंगल देवता को, ये हमारे कॉन्फिडेंस के कारक हैं, इनको सेनापति कहा जाता है, एक वॉरियर हैं। जितने भी आर्मी में आप लोग देखेंगे ना, उनका मंगल बहुत स्ट्रांग होता है, ये चीज़ आप देखें। मंगल इंजीनियरिंग के भी कारक होते हैं, इंजीनियर्स जो होते हैं वो भी मंगल के कारकत्व के अंदर आते हैं। कॉन्फिडेंस आप कह सकते हैं, लीडरशिप, लॉयलिटी, ये भी कहीं ना कहीं मंगल देवता दिखाते हैं। उसके बाद मंगल देवता, जैसे मैंने आपसे कहा, कॉन्फिडेंस के कारक होते हैं। तो अब अगर मंगल देवता आपकी कुंडली में पॉजिटिव हो गए तो आपको कॉन्फिडेंट बनाएंगे, आगे बढ़ने की ताकत देंगे। लेकिन अगर ये नेगेटिव हो गया, आपको ऐसा बना देंगे कि आप 10 लोग, 3 लोगों के सामने ना आप बोल नहीं पाएंगे, जिसके कारण काफ़ी जगह पे आपके हो सकता है आप आगे ना बढ़ पाएं। ऐसे लोग बैक एंड पे जरूर काम कर सकते हैं, लेकिन आगे चल के वो मतलब आगे आके अगर उन्हें कहीं बोलना कुछ पड़ गया तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल वाला काम हो जाता है अगर मंगल देवता नेगेटिव होते हैं। उसके बाद अगर हम बाकी चीज़ों की बात करें, तो मंगल देवता इंजीनियरिंग इनके कार्यकत्व के अंदर आता है। जो व्हीकल्स होते हैं, गाड़ियाँ, भूमि, क्योंकि भूमि पुत्र कहा जाता है मंगल को, तो लैंड, जमीन, जायदाद, ये सब चंद्रमा मंगल देवता के अंडर में आती है। अगर आप देखें कि मंगल जिनका पॉजिटिव है, तो एक चीज़ आप गौर कीजिएगा, जो मैक्सिमम कुंडली में देखी गई है, अगर आपका मंगल देवता स्ट्रांग है तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी अंदर दशा में तो आएगा ही। अगर वो स्ट्रांग है ना, तो उस टाइम पे आपका मकान ज़रूर बनवा देंगे, चाहे या तो आपकी ज़मीन खरीदवा देंगे, आपका मकान ज़रूर बना देंगे। ये मंगल देवता के साथ देखा गया है। अगला जो प्लेनेट आता है इसी क्रम में, अगला जो ग्रह आता है वो है बुध देवता। बुध देवता हमारी बुद्धि के कारक होते हैं, हमारी मेमोरी के कारक होते हैं, एनालिटिक्स के कारक होते हैं, कैलकुलेशन इनके कारक होते हैं, मनी
इसके कारक होते हैं, फिनेंस के कारक होते हैं या मरकरी यानी बुध देवता, स्पीच बोलते हैं आप कैसे, चंद्रमा के साथ साथ बुध देवता, जिनका बुध और चंद्र दोनों अच्छे हैं और तीसरा भाव अच्छा हो, उनको आप देखेंगे म्यूजिशियन वो लोग होते हैं, स्पीच उनकी स्पीच के कारक होते हैं, नॉलेज, एजुकेशन, बैंक, तो इन सब चीज़ों के कारक होते हैं, राइटिंग, जो राइटर्स होते हैं इनका आप देखेंगे ना चंद्रमा के साथ साथ इनका बुध भी बहुत अच्छा होता है, तो ऐसे लोग राइटर्स भी बनते हैं। उसके बाद है कि ये रूल करते हैं ग्रीन कलर को, अरे मैं सॉरी आपको बताना भूल गया, चंद्रमा डिनोट करते हैं वाइट कलर को और बुध देवता डिनोट करते हैं ग्रीन कलर को। ये कंजक देवी है, चाइल्ड बच्चों को भी देखते हैं, जो फीमेल फीमेल चाइल्ड बच्चे जो होते हैं ना, छोटी छोटी बच्चियाँ, उनको भी बुध देवता डिनोट करते हैं। तो अब उसके बाद अब क्या है, अगर बुध देवता नेगेटिव हो गए तो आप थोड़े से क्या होगा, चालाक होंगे, मतलब बहुत हद से ज़्यादा चालाक, जो ऐसी चालाकी जो कि पकड़ी जाएगी, आप माइजर हो सकते हैं, काफ़ी कंजूस हो सकते हैं, इवन आप अपने आप अपने ऊपर आप पैसा खर्च नहीं करेंगे, ऐसा ऐसी कंडीशन आप हो सकती है। उसके बाद आपका स्पीच बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, अगर मरकरी देवता अच्छे नहीं है तो आपका आपकी मतलब टंग के ऊपर कंट्रोल नहीं होगा, आप कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ऐसा बोल जाएंगे जिस कारण आपको ही काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आप आधे काम अपने इनकी वजह से मतलब अपने बोलने की वजह से ख़राब कर देंगे। तो जो ये आपकी ब्रेन, अगर आप बॉडी के पार्ट की बात करें, ये ब्रेन को रूल करते हैं, ये आपकी टंग को रूल करते हैं, जैसा कि अगर मैंने आपसे कहा कि आपका बोलना ही अच्छा नहीं होगा तो चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती, इवन आपको नर्वस सिस्टम NERVOUS नर्वस सिस्टम को डिनोट करते हैं, नर्वस ब्रेकडाउन जो होता है वो होता है बुध देवता की वजह से। आप हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि अगर आपका बुध देवता अच्छा नहीं है तो आपको उसके लिए ना स्टार्टिंग से रेमेडी करनी चाहिए, कोई बहुत बड़ी रेमेडीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई छोटी मोटी कोई छोटी सी रेमेडीज़ पकड़ लीजिए और उसको लाइफ टाइम कीजिए, आप देखेंगे कि बहुत लंबा ऑल्दो लंबा समय लगता है लेकिन चीज़ें बेहतर होंगी, कहीं ना कहीं से आपको ज़रूर हेल्प मिल जाएगी अगर आप डेली इसको करते हैं। मैं एग्जांपल बता देता हूँ, अगर आपका आपको लगता है आपको पता है आपकी कुंडली में बुध देवता खराब है, बुध देवता खराब है तो आपको देखिए कंजक देवियाँ होती हैं जहाँ बच्चे होते हैं या फिर छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अगर आप उन वो खेल रहे हैं कहीं कहीं कभी आप उनको गिफ्ट दे दें टॉफ़ी दे दें तो उसमें मतलब काफ़ी आपको इनसे बेनिफिट मिल जाएगा, जब भी इनकी दशा आएगी अंतर्दशा आएगी ये उतना नुकसान नहीं करेंगे। अगला प्लैनेट जो हमारे हैं देवगुरु, इनको देवगुरु कहा जाता है, देवगुरु बृहस्पति हैं, तो बृहस्पति हमारी कुंडली में जैसा कि मैंने कहा प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन, एक्सपेंशन की प्लैनेट, मतलब ये किसी भी चीज को बड़ा करेंगे, ये टीचर हैं, ये एक ऐसे टीचर हैं जो बच्चों को बहुत प्यार से समझाते हैं, क्योंकि इनका नाम ही देवगुरु है तो ये एक ऐसे टीचर हैं जो बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार से समझाते हैं। ये हेल्थ के कारक है, अभी अच्छी हेल्थ देंगे बुरी हेल्थ देंगे ये डिपेंड करेगा इनकी कितने अच्छे हैं कितने बुरे हैं कितने नेगेटिव इन्फ्लुएंस में। उसके बाद ये हेल्थ को दिखाते हैं, ये फिनेंस को दिखाते हैं, ये आपकी मैरिज में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। उसके बाद ये आपकी प्रोग्रेस को दिखाते हैं, ये आपकी स्पिरिचुअलिटी को दिखाते हैं, जुपिटर यानी देवगुरु आपकी स्पिरिचुअलिटी को दिखाते हैं, ये विजडम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके लिए दिखाते हैं, भाग्य भाग्य का कारकत्व इनके अंडर में आता है तो आप समझ लीजिए कितने इंपॉर्टेंट ग्रह हैं। उसके बाद अगर ये अच्छे हुए तो ये अच्छी चीज़ होगी, हेल्थ आपको अच्छी देंगे, फिनेंस मैरिज में कोई प्रॉब्लम नहीं देंगे, प्रोग्रेस आपकी करेंगे, स्पिरिचुअलिटी, लेकिन अगर ये ख़राब हो गए तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा ढोंग कर सकते हैं, पैसे में कमाने में आपको दिक्कत होगी, हेल्थ में बहुत ज़्यादा इशूज़ होंगे, या तो आप बहुत ज़्यादा मोटे हो जाएंगे या पतले हो जाएंगे। स्किन डिजीज़ को ये दिखाते हैं, बुध देवता भी स्किन डिजीज़ को दिखाते हैं, साथ साथ देवगुरु बृहस्पति भी स्किन डिजीज़ को दिखाते हैं, आप थोड़े से फैटी हो सकते हैं अगर आपके ये देवगुरु बृहस्पति खराब हैं,
ये क्योंकि मॉरल सक्सेस को दिखाते हैं, सक्सेस के कारक हैं, मैंने कहा प्रोग्रेस के कारक हैं, अगर ये नेगेटिव हो गए तो कहीं ना कहीं आपको परेशानियां दे सकते हैं सक्सेस मिलने में, है ना। उसके बाद अगर हम ये देखें तो ये कोर्ट वोट को भी ये देव गुरु बृहस्पति दिखाते हैं, स्कूल कॉलेजेस इन इंस्टीट्यूशन को भी दिखाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इनकी, अगर तो एक छोटी सी रेमेडी मैं इनके लिए बता देता हूँ ताकि आपके आगे चल के काम आ जाए, तो आप ना किसी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, किसी की मतलब कोई भी गुरु है मान लीजिए आपको, देखिए बुरा बोल के तो किसी के बारे में कुछ फ़ायदा होगा नहीं, तो आप जितना अच्छे हो सके, जितने अच्छे शब्द हो सके वो बोलिए, उससे देव गुरु ग्रह पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अगर आप बहुत हमेशा गलत वर्ड बोलते हैं, कितना ही अच्छा गुरु हो वो कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव फल दे जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं वीनस, जो कि हमारे जो कि दानवों के गुरु हैं और लग्जरी के कारक हैं, मोह माया, ये एक ऐसे ग्रह हैं जो हमें इस धरती के साथ बांधते हैं। देव गुरु हमें स्पिरिचुअलिटी देते हैं, नॉलेज देते हैं, ताकि हम इस चक्र से मुक्त हो सके, ये हमें इस चक्र में बांधते हैं। ये एक फेमिनाइन प्लैनेट है, फीमेल प्लैनेट है, जैसे कि चंद्रमा थे वैसे ये फीमेल प्लैनेट है। ये लुक्स के कारक हैं, लग्जरीज के कारक हैं, ब्यूटी के कारक हैं, लक के कारक हैं, फिनेंस के कहीं ना कहीं कारक हैं, आपकी जो ब्रांड्स देख रहे हैं उसके कारक हैं, कार जो व्हीकल्स देख रहे हैं उनके कारक हैं, है ना। तो ये इस दुनिया में जो भी आप सुंदर चीज़ें देख रहे हैं ये उनके कारक हैं, ये फीमेल्स के कारक हैं। आपकी वाइफ कैसी होगी, हस्बैंड के मतलब वाइफ कैसी होगी, मैरिड लाइफ को भी ये दिखाते हैं। मैरिज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट माने जाते हैं शुक्र देवता। उसके बाद ये आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दिखाते हैं, ये आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दिखाते हैं। उसके बाद ये अट्रैक्शन, जो आप अट्रैक्शन के कारक होते हैं, आप जो डीओ लगाते हैं ना, सेंट जो आपकी ये होती है, स्मेल होती है, इसके कारक भी कहीं ना कहीं शुक्र देवता माने जाते हैं। अगर ये अच्छे हैं कुंडली में तो ये आपको अच्छा लग देंगे, प्रोग्रेस कराएंगे, आपको ऑपोजिट जेंडर के साथ मतलब आप आर्टिस्टिक नेचर होंगे और नेचर के होंगे, ऑपोजिट जेंडर से आपको सपोर्ट ज़रूर मिल जाएगा। आप ये जो फिल्म जगत होता है, एक एक्टर बहुत आसानी से बन सकते हैं, है ना, म्यूजिशियन आप बन सकते हैं, लेकिन म्यूजिशियन के लिए आपका मरकरी और चंद्रमा दोनों अच्छा होना ज़रूरी है। उसके बाद ये सफ़ेद चीज़ों को दिखाते हैं, वाइट चीज़ों को दिखाते हैं, है ना। अगर ये पॉजिटिव हुए तो ये आपको ये इन सब चीज़ों में अच्छे रिजल्ट देंगे, अदरवाइज आपकी फीमेल्स के साथ, आपके ऑपोजिट जेंडर के साथ नहीं बनेगी, लक आपको सपोर्ट नहीं करेगा, ब्रांड्स को आप इन्जॉय नहीं कर पाएंगे, या फिर आप कह सकते हैं आपके अंदर शो ऑफ करने की बहुत ज़्यादा आदत हो जाएगी, जिसके कारण काफ़ी बहुत टाइम पर आपको बेइज्जती का भी सामना करना पड़ सकता है। अब बात करेंगे शनिदेव की। शनिदेव हमारी कुंडली में, हमने कहा ब्रह्मांड में न्याय के देवता के रूप में माने जाते हैं, तो ये हमारी कुंडली में जज इसके कारक होते हैं। उसके बाद ये थोड़े कोल्ड नेचर के होते हैं, ड्राई होते हैं, इवन ये डेथ के कारक माने जाते हैं, मिस फॉर्च्यून इसके कारक भी ज़रूरी यही माने जाते हैं, ऑब्स्टेकल्स जितनी होती हैं उसके कारक माने जाते हैं, है ना, जो डर्टी चीज़ें होती हैं उनके कारक माने जाते हैं। अब होता क्या है, शनिदेव आपको ये जो इनके मैं क्या नेगेटिव चीज़ें इनके कारकत्व के अंदर ज़्यादा आती हैं, तो क्या होता है, जब भी ये जैसे मैंने आपको बताया जुपिटर एक ऐसे टीचर हैं जो कि आपको बहुत प्यार से समझाते हैं, लेकिन शनि भी एक टीचर हैं जो कि आपको मार के सिखाएंगे। जब भी ये इनकी दशा आएगी, ये आपको पहले ज़िंदगी की सच्चाइयों के साथ वाकिफ कराएंगे, उसके बाद ये आपको प्रोग्रेस देंगे, ये भी प्रोग्रेस के कारक होते हैं। और शनि जितना पैसा देते हैं उतना पैसा कोई भी ग्रह नहीं देता है, यहाँ तक कि बृहस्पति देवता भी उतना पैसा नहीं दे सकते जितना शनि देवता देते हैं, लेकिन शनि देवता पहले आपकी लाइफ में आपके कर्मों के हिसाब से आपको ऑब्स्टेकल देंगे, मिसफॉर्च्यून देंगे, हर जगह पर आपको अटकाएंगे, लेकिन एक बार आपने उस बाउंड्री को तोड़ दिया, इनके न्याय चक्र को तोड़ दिया, तो ये आपकी आपकी लाइफ को बहुत अच्छा बना देंगे,
है ना। तो उसके बाद जो शनि कैंसर को डिनोट करते हैं, पैरालिसिस जो होता है उसके कारक शनि है, एक्सीडेंट में कहीं ना कहीं शनि का बहुत ज़्यादा रोल आता है, माइनिंग इंडस्ट्री जो छुपी हुई चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों में, इन सब चीज़ों को शनि देवता रिप्रेजेंट करते हैं। अब फाइनली हम आते हैं राहु एंड केतु। राहु है शनिदेव की परछाई और ये है मंगल देवता की परछाई। जो भी शनि के अंदर कारकत्व आते हैं ये इनके अंदर आते हैं, साथ साथ इनके अंदर आता है ड्रग्स के जो बिजनेस होंगे। राहु आपको हर चीज़ दे देंगे लेकिन मन की शांति नहीं देंगे। पैसा इनके अंदर आता है क्योंकि ये दोनों एक ही बॉडी हैं, राहु और केतु। राहु है सर, केतु है धड़, है ना। तो ये आपको सब कुछ दे देंगे राहु, लेकिन आपको पैसा नहीं देंगे। केतु आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होने देंगे। ये केतु आपके मोक्ष के कारक माने जाते हैं। केतु हमारी कुंडली में मोक्ष के कारक माने जाते हैं। ये जनरली आप कह सकते हैं अननेचुरल सेक्स को भी दिखाते हैं, इलनेस को, ड्यूअल मैरिज को, मतलब दो दो तीन बार शादियां होना, उस चीज़ को दिखाते हैं। अपने से बड़े लोगों के साथ मतलब बड़े, मतलब अगर आप मान लीजिए आप एक छोटी एज के जवान हैं और आपको प्यार हो जाता है एक आपकी एज से बहुत बड़ी महिला से, तो वो भी कहीं ना कहीं राहु के अंडर ही आता है। ये आपकी ग्रैंड मदर को भी दिखाते हैं कि, और राहु कहीं ना कहीं, राहु एक फेमिनाइन प्लैनेट है तो ये कहीं ना कहीं, लेकिन राहु में वो शक्ति है कि आपको रातों रात ये रंग से राजा बना सकते हैं, लेकिन मन की शांति थोड़ी, वो मन की शांति थोड़ी सी कम। राहु लीडर, कॉन्फिडेंट और ड्रग्स, मैजिशियन, जो आपको छलावा कर देते हैं ना मैजिशियन, वो राहु है। उसके बाद साइंटिस्ट भी राहु है। राहु बहुत लॉजिकल है। राहु ये चीज़ों को मानते नहीं हैं कि कोई भी धर्म, ये नहीं, इनकी अपनी सोच होती है। जिनके राहु प्रोमिनेंट होते हैं इनकी अपनी सोच होती है, अपनी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, गवर्न करते हैं। लीडर, अगर राहु पॉजिटिव हो गया, लीडरशिप क्वालिटीज़ ज़बरदस्त होती हैं, इतनी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ अगर राहु पॉजिटिव हो गया तो किसी में नहीं दिखते। अगर लेकिन राहु नेगेटिव हो गया तो ये आपको राजा से फ़कीर बनाने में टाइम ही लगेगा। और बहुत ही, मतलब क्या, लोग जिस तरीके से डराते हैं ना कि राहु की दशा आ गई तो खराब, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। राहु आपको भिखारी से राजा, राजा से भिखारी, बेस्ड अपॉन योर पास्ट कर्मास, उस चीज़ों का फल देते हैं। केतु मोक्ष के कारक हैं, बहुत सेटिस्फेक्शन नहीं देते लाइफ में, जहाँ पे भी बैठते हैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको फेवर कर देते हैं स्पिरिचुअलिटी लाने में। कॉन्फिडेंट बना सकते हैं क्योंकि मंगल कहा जाए शनिवत राहु कुजवत केतु, कुज मतलब मंगल, तो इसके कारकत्व के मतलब मंगल में जो प्रॉपर्टीज होंगी वो केतु में ही होंगी। तो फ्रेंड्स बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, कोई फीडबैक है तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।